जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं बलिदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव, नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी से बीएस मोटिवेशन ऑफिशियल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माता सावित्रीबाई फुले के बारे में, उनके जीवन के संघर्ष के बारे में, उनके शिक्षा के योगदान के बारे में। तो साथियों, सावित्रीबाई फुले जिन्होंने औरतों को ही नहीं बल्कि मर्दों को भी उनकी जड़ता और उनकी मूर्खता से आज़ाद कराया है। दुनिया में लगातार विकसित और मुखर हो रही नारीवादी सोच की ठोस बुनियाद सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले ने मिलकर डाली। दोनों ने समाज की कुप्रथाओं को पहचाना, विरोध किया और उनका समाधान पेश किया। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। इनके पिता का नाम खंदोजी नैवेसे और माताजी का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1840 में ज्योतिबा फुले से हुआ था। सावित्रीबाई फुले 3 जनवरी 1831 से 10 मार्च 1897 तक इस दुनिया में रही हैं। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका और मराठी कवयित्री थीं सावित्रीबाई फुले। उन्होंने अपने पति ज्योतिबाराव के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। वे प्रथम महिला शिक्षिका रही हैं। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है। 1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए स्कूल की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले महिला विद्यालय की प्रिंसिपल बनी, पहली प्रिंसिपल बनी और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थीं। महात्मा ज्योतिबा को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उन्होंने महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए काफ़ी संघर्ष किया है, इसलिए उन्हें जाना जाता है। ज्योतिबा राव, जो बाद में ज्योतिबा फुले के नाम से जाने गए, सावित्री बाई के संरक्षक थे, गुरु थे, समर्थक थे और उनके पति थे। सावित्री बाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया है, यानी एक नॉर्मल सादा जीवन नहीं जिया है, उन्होंने एक मिशन की तरह अपना जीवन जिया है, एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए जीवन जिया है। वे एक कवयित्री थीं, उन्हें मराठी की आदि कवयित्री के रूप में भी जाना जाता है। सामाजिक मुश्किलों का उनको काफ़ी सामना करना पड़ा है। वे स्कूल जाती थीं तो विरोधी लोग उन पर पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे। आज से 171 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप माना जाता था, तब ऐसा होता था, रास्ते में कुछ लोग उन पर गोबर फेंक देते थे। गोबर फेंकने वाले ब्राह्मणों का, सनातनियों का मानना था कि शूद्र अति शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। वह 2 साड़ी लेकर जाती थी घर से, जो साड़ी पहनकर निकलती थी वो दुर्गंध से भर जाती थी, कीचड़ से सन जाती थी। स्कूल पहुंचकर दूसरी साड़ी पहन लेती थी, फिर लड़कियों को पढ़ाने लगती थी। सावित्री बाई पूरे देश की महान नायिका हैं। हर बिरादरी और हर धर्म के लिए उन्होंने कार्य किया है, हर धर्म की महिलाओं के लिए कार्य किया है। जब सावित्री बाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो लोग रास्ते में उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा फेंक देते थे। सावित्री बाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और दूसरी स्कूल पहुंचकर जब उनकी साड़ी गंदी हो जाती थी रास्ते में तो उसको बदल लेती थी। अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा बहुत अच्छे से सावित्री बाई फुले देती थी। विद्यालय की स्थापना दोस्तों कब की सावित्री बाई फुले ने? यह घटना 1 जनवरी 1948 के आसपास की है। इस दिन सावित्री बाई फुले ने पुणे शहर के भिड़ेवाड़ी में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। इस दिन भारत की सभी महिलाओं और पुरुषों को उनके सम्मान में उन्हीं की तरह का टीका लगाना चाहिए, क्योंकि इस महिला ने स्त्रियों को ही नहीं मर्दों को भी उनकी जड़ता और मूर्खता से आज़ाद किया। 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक और विद्यालय की स्थापना की। 1 वर्ष में सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित किया और एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती है। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी लगाई गई थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि लड़कियों को पढ़ने लिखने का बंदोबस्त भी किया। इस साल 2 जनवरी को केरल में अलग अलग दावों के अनुसार 30 से 50 लाख औरतें 600 किलोमीटर रास्ते पर दीवार बनकर खड़ी थीं। 1848 में सावित्रीबाई फुले अकेले ही भारत की करोड़ों औरतों के लिए दीवार बनकर खड़ी हो गईं। केरल की इस दीवार की नींव सावित्रीबाई फुले ने अकेले डाली थी, अपने पति ज्योतिबा फुले और सगुणाबाई से मिलकर। फुले दंपत्ति ने 28 जनवरी 1853 में अपने पड़ोसी मित्र और आंदोलन के साथी उस्मान सिंह के घर में बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना की थी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सावित्रीबाई फुले ने संभाली। वहां सभी बेसहारा गर्भवती औरतों, स्त्रियों को बगैर किसी सवाल के शामिल कर उनकी देखभाल की जाती थी।
उनकी प्रसूति कर बच्चों की परवरिश की जाती थी, जिसके लिए वहीं पालना घर भी बनाया गया था। ये समस्या कितनी विकराल थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 4 सालों के अंदर ही 100 से अधिक विधवा स्त्रियों ने इस ग्रह में बच्चों को जन्म दिया। 1892 में उन्होंने महिला सेवा मंडल के रूप में पुणे की विधवा स्त्रियों के आर्थिक विकास के लिए देश का पहला महिला संगठन बनाया। इस संगठन में हर 15 दिनों में सावित्रीबाई स्वयं गरीब, दलित और विधवा स्त्रियों से चर्चा करती थीं, उनकी समस्या सुनती थीं और उसे दूर करने का उपाय भी सुझाती थीं। 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। और प्लेग महामारी में सावित्रीबाई प्लेग के मरीजों की सेवा करती थी। एक प्लेग के छूत से प्रभावित होकर बच्चे की सेवा करने के कारण इनको भी ये रोग लग गया और इसी कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जीवनी से गुजरिए, आप गर्व से भर जाएंगे। सावित्रीबाई की तस्वीर हर स्कूल में होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। दुनिया के इतिहास में ऐसी कोई महिला नहीं हुई है। जिस ब्राह्मणवाद ने उन पर गोबर फेंके, पत्थर फेंके, उनके पति ज्योतिबा फुले को पढ़ने से पिता को इतना पढ़ने से उनके पिता को इतना धमकाया जिस ब्राह्मणवाद ने उन पर गोबर फेंके उनके उनके पति ज्योतिबा फुले को पढ़ने से इतना धमकाया कि पिता ने बेटे को ही अपने घर से निकाल दिया, उस सावित्रीबाई ने एक ब्राह्मण की जान बचाई। जब उससे एक महिला गर्भवती हो गई, गांव के लोग दोनों को मार रहे थे। सावित्रीबाई पहुंच गई और दोनों को बचा लिया। सावित्रीबाई ने पहला स्कूल नहीं खोला, पहली अध्यापिका नहीं बनी, बल्कि भारत में औरतें अब वैसी नहीं दिखेंगी जैसी दिखती आई हैं। इसका पहला जीता जागता मौलिक चार्टर बन गई हैं। उन्होंने भारत की मरी हुई और मार दी गई औरतों को दोबारा से जन्म दिया है। मर्दों का चोर समाज पुणे की विधवाओं को गर्भवती कर आत्महत्या के लिए छोड़ जाता था। सावित्रीबाई ने ऐसी गर्भवती विधवाओं के लिए जो किया है उसकी मिसाल दुनिया भर में शायद ही कहीं हो। दुनिया में लगातार विकसित और मुखर हो रही नारीवादी सोच की ठोस बुनियाद सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिबा फुले ने मिलकर डाली। दोनों ऑक्सफोर्ड नहीं गए थे, बल्कि कुप्रथाओं को पहचाना, विरोध किया और उनका समाधान पेश किया। हम सावित्रीबाई फुले को सिर्फ डाक टिकटों के लिए याद ना करें, बल्कि याद करें तो इस बात के लिए कि उस समय का समाज कितना घटिया था, कितना निर्दयी था। उस अंधविश्वासी समाज में कोई तार्किक और सहृदयी एक भी महिला नहीं थी, जिसका एक ही महिला थी सिर्फ, जिसका नाम था सावित्रीबाई फुले। आज ज़रूरत है हम सभी महान क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और प्रथम महिला सावित्रीबाई फुले और उनके सहयोगियों फातिमा शेख को नमन करते हुए उनके योगदान को सभी को बताएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।